नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के गांव कुमकला में दिल दहला देने का मामला आया सामने। घरेलू विवाद के चलते कलयुगी पिता ने बेटे को फेंका नहर में। थाना रामा मंडी की पुलिस ने झारखंड निवासी दो नशा तस्करों को किया काबू। 10 किलो अफीम की बरामद। जंडियाला गुरु के मोहल्ला शेखुपुरा में अज्ञात लोगों ने एक घर के बाहर चलाई गोलियां। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के गांव कुमकला में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपने ही 2 साल के मासूम बेटे को नहर में फेंक दिया। थाना कुमकला पुलिस ने पहले पत्नी के बयानों के आधार पर पिता पुत्र के इकट्ठे लापता होने का मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता पत्नी द्वारा दिए गए बयान में बताया गया कि उसके पति द्वारा ही उसके मासूम बच्चे को अगवा कर नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने हरजीत कौर के बयानों के आधार पर उसके पति भूपिंदर सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने माना है कि उसने घरेलू विवाद के चलते ही अपने बेटे को नहर में फेंक दिया था और उसके बाद वह छिप कर रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सर, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे नू 1 तरीक नू रात 7:30 बजे लेके घुमाण दे बहाने गए, पर वापस नहीं आए। सर, मेरे हस्बैंड दा किसी गुरविंदर कौर दी नाम दी लेडी नाल जो मकसूदा विवेक विहार रहिंदी है उह जनानी नाल उहदा 5 साल तो रिलेशन सी। सर, असी उस दिन रात पूरी कार्रवाई करन तो बाद लभण तो बाद असी रात 1 बजे कटाणी चौंक की दरखास्त दित्ती। सर, फिर असी वह लेडी दे घर भी पुछन गए कि साडा बच्चा आए, क्योंकि सानू पता सी कि उहदे नाल उहदा रिलेशन है। 3 महीने पहला भी वह इस लेडी नाल भज्जिया सी ते उह लेडी तो दूर रखण लई मैं मंसूरवाल दी रहण वाली हाँ, जिला कपूरथला दी। तो सर, इत्थे मेरे भूआ जी श्री भैणी साहब रहिंदे आ। सर, मैं उहनू साइड ते तां रखिया सी, असी उहदे पेपर बण बाहर दे पराए सी कि उह लेडी तों उहनू किसे तरीके नाल दूर कीता जावे। तो सर, उह लेडी दा हसबैंड पहलां इंडिया आया सी तो थोड़े महीना को उहदे टच विच नहीं रही। उहदे हसबैंड जाण तों बाद उह फिर एक दूसरे दे टच विच हो गए। सर, मैनू यकीन आ कि मेरा बच्चा मेरे हसबैंड ने वह लेडी के थ्रू कितने गायब किया है। तो वह जब वह बच्चे इन्ना प्यार करता सी, मैं उन्होंने खुद मिल के आई हाँ, जो तू बच्चे इन्ना प्यार करता सी तू खुद नहर में छल क्यों नहीं मारी। ये जी 1 तरीक का मसला है, एक हरजीत कौर नाँ की लेडी ने सू कंप्लेट दी सी दैट कि वह हसबैंड बच्चा घरों हसबैंड बच्चे घरों लेके चला गया कमाने के लिए लेके गया कह के। उस तो बाद असी 2-3 दिन चलो पड़ताल की, उस तो बाद असी अंडर सैक्शन 346 FIR रजिस्टर कर दी सी अनोन से दैट हसबैंड तो यदा बच्चा नहीं मिल रहा। उस तो बाद अंडर इनवैसटीगेशन जो पता लग्या ड्यूरिंग इनवैसटीगेशन दैट जिहड़ा भुपिंदर सिंह हैगा हसबैंड है जिहड़ा उन्हें अपने बच्चे नू नहर दे विच गुड़थली दे पुल तो नीचे सुट दिता। हुण जो उस तो बाद जो उन्हें भुपिंदर सिंह अरैसट किया तो यह मनिया जड़ के उन्हें अपने बच्चे नू दा मर्डर कर दिता जे नहर में सुट के। हुण उस तो बाद बॉडी लभ रहे हैं बट बॉडी सानू हले बरामद नहीं हुई। ये जी बच्चा तो जो सानू भुपिंदर सिंह दस रहा वो तो अंडर जो इनवैसटीगेशन दे विच आया है वो तो उन्हें जिस दिन बच्चा घर लेके गया से उस दिन ही नहर च सुट दिता सी। कारण यह है जी इन्हों का घरेलू मसला है वाइफ नाल डिस्प्यूट सीगा। थाना रामा मंडी चरंदर की पुलिस टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DACP जालंधर जगमोहन सिंह ने बताया कि थाना रामा मंडी के मुख्य अफसर इंस्पेक्टर नवदीप सिंह की पुलिस पार्टी ने गश्त के दौरान 120 फुटी रोड सूर्य एनक्लेव जालंधर के नज़दीक से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास से कुल 10 किलो अफीम बरामद हुई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान रघुनंदन महतो निवासी झारखंड और यमुना महतो निवासी झारखंड के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कल बड़ी वड्डी सफलता मिली जो SHO नवदीप सिंह SHO रामा मंडी
ने कल शामी दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिहड़े झारखंड के रहने वाले सन जिन्हों को जी 10 किलो जी अफीम है जी रिकवर की गई। एक रमनंदन महातो तो जमन महातो नाँ के जोड़े दो व्यक्ति से जिन्हों के खिलाफ ऑलरेडी पहले भी परचे दर्ज किए गए हैं और ये असी जे फरदर जी सा इन्वेस्टिगेशन चलती पी है ये असी इन्हों पुलिस रिमांड लैके जी अगे जी पता करावे कि कितों ये जी फीम लैके आते इतने जो कि बंद जे अगे ये जी डिलीवरी दी। जंडियाला गुरु में लूटपाट व गोली चलने की वारदातें अब आम हो गई हैं। इसी के तहत गत रात्रि जंडियाला गुरु के मोहल्ला शेखुपुरा में एक घर के बाहर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रॉपर्टी डीलर रंजीत सिंह ने बताया कि गत रात्रि लगभग 5 व्यक्तियों द्वारा उनके घर के बाहर पत्थरबाजी कर गोलियाँ चला दी गई। वहीं यह सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। वहीं पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से उक्त आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद मामला दर्ज कर बनती कार्यवाही की जाएगी। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ठीक है जी, राती मैं अपनी भांजी दे मैरिज साडी भांजी दी मैं उत्थे गए हां ते मैं जो रात मेरे घर में दसा नहीं दिन मैं 5 बजे घर आया तो घर के कहते भी गोलियां चलिया रात इन्ह रात एफ आई तरह दरखास्त भी दी हुई है थाने 181 नंबर से पुलिस मुलाजम आए हैं दो गड्डिया भर के आई हुई हैं उन्होंने भी अपनी कार्रवाई की हुई है तो जो अभी सवेरे रात पुलिस वाले भी खोल लैके गए इतों लभ के तो दिन अं भी वेखे हुए हैं साढ़े को भी है 4-5 खोल लभ गया सू कि साढ़े घर के मूहे लभे हुए हैं गाड़ी साढ़े घर के लभे हुए जी प्रशासकों मंग करते हैं सानू इंसाफ दिता जाए जी गुंडा पार्टी है जी गैंगस्टर इन्होंने सफर के अंदर किया जाए। ये रात कोई लगभग 1 बजे के रणजीत सिंह के घर कोई मुंडे आए तो उन्होंने इतने कोई फेर फूर किए असी वेरीफाई करते पे हाँ हम जो भी सब हालात सामने आए उस हिसाब से कार्रवाई अमल में लिया के परचा दर्ज किया जाए। देखिए सीसीटीवी देख लिया है असी लैली फुटेज ले ली है उसकी बंदे पहचान के उन्होंने अरेस्ट की जाएगी। 2022 चुनावों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से आम आदमी पार्टी विरोधियों के निशाने पर है और आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर राजनीति गरमाती हुई नजर आती है। ऐसा ही कुछ उस समय देखने को मिला जब आम आदमी पार्टी द्वारा दावा किया जा रहा है कि भाजपा द्वारा उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है जिसमें हर विधायक को 25 करोड़ रुपये देने की बात कही जा रही है। इस पर कांग्रेस के पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के समर्थन में बोलते हुए कहा था कि ऑपरेशन लोटस जैसी कोई बात नहीं है, आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। जिसके बाद पठानकोट में पहुंचे अब कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि राजावड़िंग राजा नहीं है, बाकी रही विधायकों को खरीदने की बात तो आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक या मंत्री बिकाऊ नहीं है, वे लोगों की सेवा के लिए आए हैं और सेवा करेंगे। बीएमडब्ल्यू पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि बीएमडब्ल्यू के साथ कोई भी करार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बीएमडब्ल्यू नहीं आएगी तो क्या हुआ, और बहुत सारी कंपनियां हैं उनसे बात करेंगे। सिंचाई घोटाले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उसकी जांच के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा दे दिए गए हैं, जो भी आरोपी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। सदा मतलब एक ही एजेंडा सीगा आज दी मीटिंग दा, तुहानू पता कि सीजन आ गया झोने दा ते साडे लई बहुत वड्डा चैलेंज हैगा पंजाब दे विच कि असी पराली जिहड़ी है इहनू मतलब अग नहीं लगन देणी। पराली की साफ संभाल के बारे अफसर नाल आपां कीता प्लैन कीता सारा किदा किदा करना किदा किदा आपां किसानां नूं प्रेरित करना कि पराली नूं अग नहीं लाउणी और साडी कोशिश होगी। जिदा अधिकारियों ने कहा पठानकोट दे पिछली बार भी घट सीगा, बहुत ज़्यादा घट सीगा दूजे जिले नालों, तो ऐतका तो वाला डी साहब ने सारिआं ने मतलब अधिकारियों ने कहा कि असी 0% ते लैवांगे कोई मतलब इत्थे पठानकोट दे विच इदां दा मतलब नहीं होण देंगे जिथे अग वगैरह लगे। पंजाब के संगरूर से सांसद
सिमरनजीत सिंह मान द्वारा अमृतसर में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाने के लिए सचखंड श्री दरबार साहिब के बाहर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें लोकतांत्रिक हक को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, जिसके चलते वे अमृतसर में एक निजी स्थान पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस दौरान सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि अगर उन्हें लोकतंत्र का हक नहीं मिलता तो उन्हें हथियार उठाने की जरूरत पड़ सकती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बरगाड़ी में लगातार ही प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों को सजा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल उस समय गृह विभाग के मंत्री थे, इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक मामले जरूर दर्ज होने चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कारण यह है कि साड़ी जमहूरियत खोई गई है जी। 11 साल किसी कौम नूं यह जमहूरियत मार देना यह कोई छोटी गल तो है नहीं गी। तो असं तो कदों के रोंद रहे हैं। बरगाड़ी का मोर्चा हूँ साड़ी पार्टी 430 दिन हो गई है। रोज़ गिरफ्तारियां होंगे ने, 5 तो रोज़ जाते, कदे 20 जाते, कदे 25 जाते हैं। तो 430 दिन हो गए लगातार बरगाड़ी के मोर्चा लगे हुए, पर साड़ी गल नहीं उत्थे मनी जाती। नहीं बादल नूं अरेस्ट करते, नहीं सुखबीर सिंह नूं करते, सौदे साध नूं नहीं करते, उन्हूं सैनी नूं नहीं करते जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब दीयां बेदबियां कीतियां। तो SGPC टाइट बैठी है जिन्होंने 328 मरण के स्वरूप पता नहीं बेचते हैं की करते हैं, सानू तो कोई पता नहीं। जिहदा मैं पहला गल कीती सी, कोई ना रिस्पोंसिबिलिटी है ना अकाउंटेबिलिटी है। जे तुसीं दुकानदार हो ते तुहाडी अकाउंटेबिलिटी तो होगी कि जिहड़ा तुसीं डब्बा यह बॉनविटा का देना वह सही होगा, इस तरह अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। अमृतसर में अमनदीप क्रिकेट अकादमी में अमनदीप अस्पताल की ओर से दिव्यांग विश्व रिकॉर्ड धारक का सम्मान किया गया। अमृतसर के नौजवान अबलू राजेश ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा और जज्बा है तो कुछ भी असंभव नहीं है। गौरतलब रहे कि एक भयानक हादसे के बाद अबलू राजेश की दोनों टांगें काटनी पड़ गई थी। अमनदीप अस्पताल में मुख्य ऑर्थोपेडिक्स सर्जन डॉक्टर अवतार सिंह ने अस्पताल के फील फुट विभाग के अधीन उसकी दोनों टांगों में नकली अंग लगाए। अगस्त 2022 को अबलू राजेश ने भारतीय तिरंगा झंडा पकड़कर प्रोस्थेटिक टांगों के साथ साइकिल पर सबसे अधिक दूरी तय कर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया, जिसके बाद उसकी इस उपलब्धि को मान्यता दी गई, जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमेशा के लिए दर्ज है। अपने परोपकारी यत्नों के लिए जाने जाते डॉक्टर अवतार सिंह ने ना सिर्फ अबलू राजेश को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की, बल्कि साइकिलिंग के उसके जुनून के बारे में जानने के बाद उसे एक साइकिल भी भेंट की। और अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने अबलू राजेश को अमनदीप क्रिकेट अकादमी में उसकी शानदार सफलता के लिए सम्मानित भी किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम राजेश कुमार है। तुसी सारे मैंने सोशल मीडिया से देखते हो कि मैं एक प्रोफेशनल डांसर हाँ। मैं डांस करता, डांस की वीडियो बनाना, लेकिन डांस के नाल नाल मैं अपनी लाइफ से कुछ और भी करना सी। मेरा मन सी कि मैं कुछ और तरीके ना चला, डांस के नाल नाल मैं कुछ और भी अचीव करा। लाइक एक हुंदा ना जनून, वह हमेशा मेरे च कुछ ना कुछ आता रहता है। इस बार मैं अपना साइकिल अगे किया। जो मैं डॉक्टर अवतार जी को गया कि अंकल नूं कहा कि मैं साइकिल करना है, तो उन्होंने मैंने एक बारी भी नहीं कहा कि क्यों करना या किमें करना या मैंने पूछा हो कि तेरे को होएगा। उन्होंने कहा तू साइकिल करना है, ठीक है, तो तू मैं तेन साइकिल लै दिना वा, तू साइकिल चला। अगले दिन ही अंकल ने मेरे घर साइकिल भेजा, उसकी मैं प्रैक्टिस स्टार्ट की। जिस तरह मैं प्रैक्टिस करता गया, रब की कृपा ना कभी मैं कभी भी ऐसा डिग्गा नहीं हाँ, ना डांस च ना साइकिल च। तो साइकिलिंग करता गया, चलता गया, काफ़ी मुश्किल सामना आया, लेकिन वो सब तो बड़ी मुश्किल आई साइकिल ज़्यादा चलाना, मेरी राइट वाली लैग भी जख्म हो गया। अंकल जी ने पूरे 15 दिन के अंदर अंदर मैनू इंपोर्टेड 6 लाख लैग्स मंगवा के दित्तियां, जो कि बिल्कुल लाइट वेट ने, जिहड़े मैं हजे पाई हैं, जिन्हें मेरा चलना उठना बैठना होर डिफरेंट हो गया, थोड़ा एडवांस हो गया। दोस्तों ये राजेश जिहड़ा है बहुत प्यारा बच्चा है। ये 8 साल पहला मेरे कॉन्टैक्ट आया सी। इहदा कितने ट्रेन एक्सीडेंट हो के उहदे च लत्तां बिल्कुल दो इन्हां दी कुचलियां गईयां सी। फिर साढ़े ICU च सीगे, ते मैं जदों इहनूं विजिट कीता ते ही बस क्राइंग थोड़ा दिल इहने छड्डिया होया सी वी हुण मेरियां लैग्स है नहीं गईयां ते फिर मैं बचना नहीं चाहुंदा। सो मैं इहनूं थोड़ा जिहा मोटीवेट कीता वी बेटा जिहड़ी लाइफ है ना वो तुहाडियां लत्तां बाहवां च नहीं हुंदी, लाइफ जिहड़ी आ उह तुहाडे दिमाग च हुंदी है, तुहाडी विल पावर ते हुंदी है। सो 5 मिनट मैं इहदी ब्रेन वॉशिंग कीती, बच्चियां वांगू समझाया,
और इस बच्चे के दिमाग चो जी गल सी ना वो घर कर गई भी लाइफ इज हेयर नॉट इन द लैगस। सो उस तो बाद जख्म जुखम जो ठीक हो गए फिर ये चलन फिरन का सिलसिला जोड़ा सी शुरू हो गया। फिर लैगस की जी प्रॉब्लम सी हैवी लैगस के नाल इन औखा हो जाता सी ये जख्म हो जाते। ये जी स्टोरी है ना ये एक बंदे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तो रिक्वेस्ट है ये मैसेज दो जड़े बंदे खास करके डिप्रैशन च ने सोचते हैं कि असी जिंदगी साड़ी खत्म हो गई ये हो गया वो हो गया कुछ नहीं इदा का होंगे। उन्होंने सारे मैसेज ये दो अपनी विल पावर स्ट्रोंग करो दुनिया की कोई ताकत तुहानू तुहाडे सपने जड़े आ उन्हां नू अचीव करन तो रोक नहीं सकती। समाज लिए एक आदर्श है एक व्यक्ति कठिन स्थिति चो निकलना चाहता है दूसरा उन्हें निकालने लिए वो बाजू पकड़ के चल रहा है। तो अज समाज लोड़ यही है कि गिरान वाले तो बहुत मिलते हैं कोई उठान वाला चाहिए है। और राजेश का जोड़ा उदाहरण है ये है कि जिथे आदमी की कर्म शक्ति मन की शक्ति जग जाती है क्योंकि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। डॉक्टर अवतार जी ने प्रेरणा दे के अंदर छिपी हुई शक्तियाँ जड़ी हैं वो जगाई हैं और वो अगे जगे बदे जा रही है। राजेश लई बहुत सारिया शुभकामनावां आशीर्वाद। डॉक्टर अवतार इसे तरह सेवा करते रहन और बाकी भी समाज के जोड़े लोग निराश होकर बैठे है आए दिन नौजवानों के आत्महत्या कर खबर मिलनी उन्होंने वास्ते ये प्रेरणा की चीज़ है। अमृतसर के मकबूलपुरा इलाके में कुछ दिन पहले नशे में धुत एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था जिसके बाद अमृतसर पुलिस ने नशा करने वालों और नशा बेचने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी और पुलिस की ओर से हर जगह नाकाबंदी की जा रही है जिसके चलते गत सुबह एक निजी चैनल पर यह खबर आई कि अमृतसर के गुरु अर्जुन देव नगर में कुछ युवक ड्रग्स पी रहे हैं। खबर फैलने के बाद अमृतसर पुलिस ने गुरु अर्जुन देव नगर में छापेमारी शुरू की और चार लोगों को हिरासत में लिया। इस दौरान इलाका निवासियों ने कहा कि पुलिस की छापेमारी सिर्फ एक नाटक है पुलिस के जाने के बाद यहाँ पर फिर से नशा बिकना शुरू हो जाएगा और दोपहर तक बड़ी संख्या में युवक यहाँ आकर नशीला पदार्थ खरीदेंगे। वहीं जब इस मामले में डीसीपी मुखविंदर सिंह भुल्लर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एक निजी चैनल पर इस वीडियो को देखा तो उन्होंने तुरंत कार्यवाही करते हुए इलाके में छापेमारी करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे सात मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। रूटीन ही है असीं सर्च ऑपरेशन वगैरह करते हैं पर अज जदों टीवी चैनल ते असीं देखिया सीगा वी लाइव चल रहा है उस तो असीं होर ज़्यादा फोर्स इकट्ठी करके इस एरिए दे विच पहुँचे सीगे और इस एरिया दे विच पहला भी असी लास्ट ईयर 12 परचे सी ऐतकी 24 परचे दर्ज किए हुए हैं काफ़ी साढ़े ऑपरेशन चलते रहते हैं और अज इस तो बाद दे विच भी असी चार बंदे जिहड़े हिरासत च लए ने जिन्हां दे कोलों कुछ समान 100 ग्राम के करीब रिकवर होया। एक बंदा असी कुछ दिन पहला ही जिहड़ा इत्थे बंदा वेचदा सीगा उहनू सुल्तानपुर थाने दे विच परचा दर्ज है उहदे घरों सानू काफ़ी मात्रा च फोन मिले ने लोकी फोन जिहड़े इहनू दे जांदे ने ते चिट्टे दा समान लैके जांदे ने उह पहलां ही असी अरैसट कीता होया उहते पहलां ही परचा दर्ज है। देखो साडा लास्ट ईयर नालों तकरीबन डबल रिकवरी है डबल बंदे असी अरैसट करके जेल च भेजे आ और इस तो भी ज़्यादा सख्ती जिहड़ी है वो कीती जाएगी। MES वर्कर्स यूनियन एरिया कमेटी अंबाला की तरफ से जालंधर छावनी में 50वां गोल्डन जुबली डेलीगेट समारोह करवाया गया। इस विशाल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के कॉमरेड सी श्री कुमार जनरल सचिव AIDF डिप्टी जनरल सचिव वर्ल्ड फेडरेशन ट्रेड यूनियन बतौर मुख्य अतिथि पधारे। इस समारोह की शुरुआत सीनियर कॉमरेड साथियों ने अपने सीनियर लीडरों का स्वागत गुलाब के फूलों की वर्षा करके किया।
तो वहीं इस समारोह में MES वर्कर्स यूनियन एरिया कमेटी अम्बाला के जनरल सचिव ओम प्रकाश वशिष्ठ, एरिया कमेटी अम्बाला के कैशियर कॉमरेड गुरुबख्श राय भी मौजूद रहे। वहीं इस समारोह में विशेष तौर पर पहुंचे कॉमरेड साथियों का जालंधर छावनी के ब्रांच प्रधान श्री अश्विनी कुमार एवं जालंधर छावनी के ब्रांच सचिव हेमंत बब्बर इत्यादि ने धन्यवाद भी किया। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के संबंधित MES वर्कर्स यूनियन एरिया कमेटी का दो दिन का अधिवेशन जालंधर कंटोनमेंट में चल रहा है। हमारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़, इस चार जगह में डेलीगेट्स आ चुका है। उस डेलीगेट्स ने MES का कर्मचारी के बारे में, देश का कर्मचारी के बारे में बहुत इश्यूज़ आज और कल डिस्कस कर रहा है। मेन मुद्दा है दिल्ली में अभी केंद्र सरकार है उसका नीति के खिलाफ में हमारा डेलीगेट्स ने बहुत चर्चा किया। MES वर्किंग एरिया कमेटी अम्बाला का 50वां अधिवेशन जालंधर कैंट में हो रहा है, उसमें हम हमारे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कुमार जी, MES एरिया कमेटी अम्बाला के जनरल सेक्रेटरी ओम प्रकाश जी और जालंधर ब्रांच के हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और सभी लीडर SSP अमृतसर देहात स्वपन शर्मा के दिशा निर्देशों के अनुसार SP हेडक्वार्टर जसवंत कौर की अगुवाई में सुपरविजन अधिकारी कुलदीप सिंह रियाड़ और सांझ केंद्र जंडियाला गुरु के कर्मचारियों की ओर से सरकारी हाई स्कूल गांव धारण में स्कूल के छात्रों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह रियाड़ ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए और वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी अच्छी तरह से संभाल करनी चाहिए। वहीं नशों संबंधी बात करते हुए उन्होंने कहा कि नशा हमारे शरीर को दीमक की तरह चाट जाता है, जिस कारण व्यक्ति की धीरे धीरे मौत हो जाती है, इसलिए हम सबको नशों से दूर रहना चाहिए। तो वहीं इस मौके पर ASI रंजीत सिंह, कांस्टेबल कमलजीत सिंह, स्कूल इंचार्ज रुपिंदर पाल सिंह, करण पाल सिंह, राजरानी और मनदीप कौर सहित सभी छात्र भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। आज मानयोग SSP साहब अमृतसर देहाती अगवान सार मैडम जसवंत कौर जी, DCPO साहब, जिला सांझ केंद्र की समुची टीम अमृतसर देहाती, सांझ केंद्र जंडियाला की टीम ने पिंड धारड़ हाई स्कूल पिंड धारड़ विखे एक सैमीनार लगाया गया, जिस विच बच्चों रुख लगाउण अते बच्चों नशे तो प्रेरित किया गया अते बच्चों हदायत की गई है, अवेयर किया गया बच्चों कि तुसी वध तो वध रुख लाओ तो वातावरण शुद्धा रखो तो आपां नूं सह लैण विच कोई मुश्किल ना आवे। जिवें जिवें आपां रुख लगावांगे नाले तो आपां नूं हरियावल मिलेगी, नाले आपां नूं सह लैण विच कोई मुश्किल नहीं आएगी, ऑक्सीजन वध तो वध बच्चों नूं रुखां विचों मिलदी है, जीवन भी रुखां विचों ही मिलता है। अज साडे स्कूल विच सेवा केंद्र दे विचों कैंप लगाया गया ते सानूं रुख लगाउण लई कहा गया ते नशियां तों दूर रहण लई कहा गया। की मैसेज घर जाके दोगे? असीं अपने आंढियां गवांढियां नूं ते अपने माता पिता नूं इह मैसेज देवांगे कि रुख लगाउणे चाहीदे आ ते नशियां तों दूर रहणा। गत दिनों जालंधर के गांव ताजपुर में एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी, जिसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था और ताजपुर चर्च के मुखी पर आरोप भी लगाए गए थे। तो वहीं धर्म परिवर्तन को लेकर इन चर्चों पर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इन्हीं आरोपों को मद्देनजर रखते हुए ताजपुर चर्च के प्रमुख बलजिंदर सिंह मीडिया के समक्ष पेश हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किसी भी तरह का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा। हालांकि जिस बच्चे की गत दिनों मौत हुई थी वह कैंसर से पीड़ित थी और उसकी मां पिछले 9 महीनों से अपनी बच्ची के साथ चर्च में आ रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि बच्ची का इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था, जिस पर डॉक्टरों ने आखिरी स्टेज होने के कारण उसे जवाब दे दिया था। तो वही धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि वह आज भी अपने पहले नाम से ही जाने जाते हैं, उन्होंने अभी तक अपना नाम भी नहीं बदला। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं वे अपनी आस्था को लेकर यहाँ आते हैं और संविधान के मुताबिक हर किसी को किसी भी धर्म को मानने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वे भी इंसान हैं, भगवान नहीं, और वे भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई क्योंकि
बहुत सारे लोगों के मैं क्वेश्चन को आंसर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग डाउट में हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन समाज के ऊपर, हमारे पास्टर विश्वासियों सबके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, धर्म बदलते हैं। देखो, मेरा नाम भी बजिंदर सिंह है, मैंने आज तक क्यों नहीं जो है उस नाम को चेंज कर लिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ कोई किसी का धर्म नहीं बदला जाता, सब अपनी आस्था के कारण आते हैं। जो हर एक धर्म के अंदर ये कानून है कि जिसकी आस्था होगी तो वो वहाँ जा सकता है। सब लोग यहाँ अपनी आस्था को लेकर आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर कहा, ये क्लियर यहाँ पर मत्ती की किताब में, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि चाहे कोई बीमार आए, चाहे कोई कुछ आए, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करना है। आते हैं चंगा करके दिखाओ, हम तो इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें एक परमेश्वर ने जो हमें परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तीन लोगों का विश्वास, कह रहा है एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास, और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। देखो, मेरा काम है प्रार्थना करना, और मैं तो प्रार्थना करके वापिस चला जाता हूँ, ठीक है ना। मैं उस दिन भी प्रार्थना कर रहा था, मैं कभी स्टेज के ऊपर से प्रार्थना करता हूँ, और क्या है, हमारा ऑनलाइन चलता है, आप लाइव देख सकते हो, ठीक है ना। कि और दूसरी बात, जिनके लिए हम ले एंड प्रे करते हैं, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ने बीमारों के ऊपर हाथ रखा और चंगे हो गए। हमारा काम ना हम किसी से पैसे लेते, ना हम किसी को ये शिक्षा देते, कहीं ना कहीं काम आया है ना ये, वो नाम इसलिए आते हैं क्योंकि कई लोग हर तरह से परोपकंडा रच रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं रोटियां सेक रहे हैं लोग समाज में। ये पूरे पंजाब की कमेटी है, और उसके बाद एक इंडिया की हम कमेटी को भी रखेंगे, और पूरे वर्ल्ड की भी रखेंगे। ये तीन स्टेप में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक नहीं करेंगे। अभी तो ये पंजाब की है, और हमारा प्लान चल रहा है अभी इंडिया में भी रखेंगे हम, और उसके बाद हम पूरे वर्ल्डिज्म में भी रखेंगे। तो ये वो काम उनका है, वो काम ना इनका है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा काम तो है प्रार्थना करना, क्योंकि ये हम किसी को गलत गाइड नहीं हम करते। भारतीय जनता पार्टी जिला जालंधर के अध्यक्ष सुशील शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन सर्कुलर रोड नजदीक शीतला माता मंदिर स्थित पार्टी कार्यालय में किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव केडी भंडारी, प्रदेश प्रवक्ता मोहिंदर भगत, पूर्व मेयर सुनील ज्योति, जिला मीडिया इंचार्ज अमित भाटिया, कोषाध्यक्ष राजेश कपूर, प्रवक्ता ब्रिजेश शर्मा, सचिव रॉक्सी उप्पल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर अध्यक्ष सुशील शर्मा ने जालंधर की राजनीति में जो पिछले दिनों हलचल पैदा हुई थी, उस पर बोलते हुए कहा कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो कुछ स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दल बदलते हैं, जिसमें पिछले दिनों भाजपा से भी कुछ ऐसे ही नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ रही है। भाजपा की पूरे देश में आधे से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं। भाजपा विचार आधारित पार्टी है, ना कि कोई परिवारवादी राजनीतिक दल है। कुछ लोग दिन में सपने देखते हुए भाजपा का जालंधर से सफाया करने का सपना देख रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह सोनू सोहोता की अपने साथियों सहित भाजपा में घर वापसी करवाई गई। इस मौके पर मनप्रीत कलेर, रविंदर कुमार, बिंदर बाबा, कृष्ण शर्मा, अरुण महाजन, जोगानाहर, मोहन सिंह, राधे सहोता, विक्की घई, पिंचू गिल, सन्नी सोहता, साजन सौरव, सागर नाहर, दीपक सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हरपाल सिंह चीमा ने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उहदे विच उन्हां ने कहा कि ऑपरेशन लोटस के तहत इल्जाम लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, ते 55 आम आदमी पार्टी के MLA 25-25 करोड़ रुपया दे के खरीदने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है, फिर उन्होंने एक गल कही कि भी ये मोबाइल के उत्ते उन्होंने ऑफर्स की। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत शार्प है गए हैं, सो रिकॉर्डिंग हो सकती फोन दे विच, क्या रिकॉर्डिंग की थी उन्होंने जिसका फोन आया, किस नंबर तो आया ट्रू कॉलर ना पता लग जाता है। लेकिन जो सवाल किए पत्रकार भावों ने एक भी गल का जवाब नहीं दे सके, उन्होंने सिखाई नहीं, सो झूठ बोलिया।
फिर तुम देखो कि इल्जाम बीजेपी से लग रहा, तो चार काउंसलर बीजेपी के आप भी चले गए। मैं पूछना चाहना चीमा साहब, तुम तो बीजेपी से खरीदन की MLA खरीदन का इल्जाम लगाया, तो तुम जो चार काउंसलर बीजेपी से लैके गए हो किन्ने च लैके गए हो वो गल दसो। श्री अकाल तख्त साहिब के गुरुद्वारा बाबा गुरबख्श सिंह जी की शहादत स्थली पर श्रोमणी शहीद बाबा फूला सिंह जी की 200वीं शताब्दी समागम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर अकाल तख्त साहिब के प्रमुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह, अकाल तख्त साहिब के हेड ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह, श्री हरिमंदर साहिब के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह, पटना साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह, अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह, बाबा सुखविंदर सिंह सुखा भूरी वाले, बाबा अवतार सिंह, श्रोमणी कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी, SGPC सदस्य अजाज सिंह, प्रबंधक जसपाल सिंह, सुलखन सिंह बंगाली और अलग अलग निहंग सिंह संगठनों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में शिरकत की। इस अवसर पर जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने संगत को संबोधित करते हुए कई सिख मुद्दों पर चर्चा भी की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दीन दुनिया के बाली, तन तन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी पातशाह जी का गुरियाई गुरब है। सब तो पहला मैं इस महान गुरब दियां आप सारिया संगतां नूं बहुत 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 बधाइया देना। अज असी उस महान अमर शहीद सूरबीर योधे मान योग सिंह साहब अकाली बाबा फूला सिंह जी ने 200 साल शहीदी पर्व को समर्पित मना रहे शताब्दी के संबंध के हुए समागम के हाजरियां भर रहे हैं। बीते दिन तरन तारण के चर्च में हुई बेअदबी के चलते जालंधर के ADC को क्रिश्चियन समुदाय ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मांग पत्र दिया। इस मौके पर पास्टर सोनावर भट्टी ने कहा कि तरन तारण में पिछले दिनों चर्च के अंदर तोड़ फोड़ और मूर्तियों के साथ जो बेअदबी हुई थी उसकी CCTV में साफ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ की है और उनकी पहचान भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके चलते उन्होंने जालंधर के ADC अमित सरीन को एक मांग पत्र के जरिए एक सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो पूरे पंजाब भर में चक्का जाम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ADC अमित सरीन ने बताया कि उन्हें ईसाई समुदाय की तरफ से मांग पत्र दिया गया है, जिसकी जानकारी वो आपने उच्च अधिकारियों को देंगे। ADC ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया ताकि चक्का जाम की नौबत ना आए। जालंधर से पंकज शर्मा की। देखो, बीते दिन मेरा नाम सुनावर पट्टी, प्रधान यूनाइटेड पीपल्स लीग, साढ़े चेयरमैन पास्टर एंथनी मसीह, जॉन मसीह जॉनी जी, जनरल सैकटरी मेरा सुरजीत थापर जी, पास्टर गौरव गेल जी और भी साड़ी मसीह जथेबंदियां, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री तो पास्टर पत्रस जी। देखो, अज इदा है कि जिमें कि मीडिया सारा भली भांति जानता कि अज तो 2.5 to 3 हफ्ते हो गए साढ़े चर्चस के उत्ते हमले होंगे। हुण उहदे विच देखो जिथे डड्डूवाने चर्च के चलती सभा रोका गया निहंग मुखी मेजर सिंह हुणां दे वल्लों, प्लस अपना ठक्करपुरा पट्टी के जिहड़ा साडा चर्च आ उत्थे प्रभु यीशु मसीह जी की और माता मरियम की मूर्ति नूं तोड़िया गया। हुण असीं उहदे संबंध के ना बहुत ज़्यादा मेमोरेंडम दिते आ, बड़े शांति मार्च किए आ, साढ़े कैंडल मार्च होए आ और अलग अलग पंजाब के अलग अलग जथेबंदियों के अलग अलग पास्टरों ने मेमोरेंडम दिए। साडे परचियां के उत्ते जिहड़े लोगों ने देखे आ, जिहड़े पूरे समाज ने, प्रशासन ने और मीडिया के आए आ, उन्हां दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि साढ़े बेचारे पास्टर है उन्होंने नजायज़ ही अजकल 295 का परचा दर्ज किया करना शुरू कर दिता गया। एक तो साड़ी यह मंग हैगी कि उन्होंने उत्ते जिहड़े परचे तुसीं किए हैगे आ वह तुरंत रद्द किए जाण, ते जिहड़े इन्हां दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर नहीं कर की जाती तो असीं 27 तरीक नूं चक्का जाम करांगे। कृष्ण भाईचारे खिलाफ काफ़ी जो कुछ शरारती अंसर ने उन्होंने काफ़ी गलत एक्टिविटीज़ की हैं, जिस करके बड़ा रोष है उन्होंने, रोष है कि साडे धर्म नूं दबाया जा रहा है और कितने पास्टर साहब पर कोई परचा भी होया उस बारे उन्होंने रिप्रजेंटेशन दी है कि परचा झूठा है। यदि इन्वेस्टिगेशन पूरी पुलिस पूरी करेगी इन्वेस्टिगेशन और जो सच है जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। और CM साहब के नाम उन्होंने मांग पत्र दिता है, मेमोरेंडम CM ऑफिस असी फॉरवर्ड कर देंगे, फिर CM साहब ने जो मीटिंग इन्हों की हो सकती है तो वी विल ऑर्गेनाइज दैट और जिते भी इन्होंने धक्का होया समाज के नाल उन्होंने पूरा जस्टिस दिता जाएगा। ठीक है।
27 सितंबर तक इन्होंने कहा भी साडा जिहड़ा है सानू जस्टिस मिलना चाहिए। जो रीप्रजेंटेशन च मैमोरेंडम च इन्होंने लिखा है वो तो यही कह रहे हैं कि असी फिर सड़कों पर उतरेंगे, धरने देवे, धरना प्रदर्शन कर। फरीदकोट में राष्ट्रीय किसान यूनियन की ओर से SSP कार्यालय के समक्ष खेतों में से किसानों की मोटर, स्टार्टर, तारें और ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले चोरों को पकड़ने की मांगों को मुख्य रखते हुए विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि चोरों की ओर से दिन ब दिन कानून को ढेंगा दिखाकर किसानों का लाखों का सामान चोरी किया जा रहा है। इस मौके राष्ट्रीय किसान यूनियन के राज्य प्रधान बिंदर सिंह ने कहा कि जब तक प्रशासन की ओर से चोरों को काबू नहीं किया जाता तब तक दिन रात पक्का धरना जारी रहेगा। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। देखो जो धरना चलने की गल दिल्ली साल चलिया सी, चली गए साल बैठे रहे सी, वह सानू पता हूँ किस तरह वो तो लंबा समा जब तक साड़ा ना निबड़िया तो चलता रहेगा। जितों तक अगले एक्शन का गल हैगी है वो असं बदल बदल के एक्शन करते रहेंगे। मौके से जब असं एक्शन कोई करना होया वो दसांगे, प्रशासन भी दसांगे और तुहानू भी दसांगे कि असं करना है। और साडा जो एक्शन होगा ये कहेंगे वो शांतमई होगा। असं हुल्लड़बाजी वाली साडी जथेबंदी पहलों तो नहीं है, असं हुल्लड़बाजी नहीं करते और शांतमई प्रदर्शन साडा होगा। इन बदल बदल के असं वक् वक् रूप दे के इतने धरना लगातार चलेगा, अपना प्रदर्शन करके पासे जो भी करना होगा। माँ बंगला मुखी धाम नज़दीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ बंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान ओंकार सिंह से सपरिवार पूजा अर्चना के उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। तो वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को प्रभु के भजन भक्ति में लगाने व अच्छे समाज के निर्माण के लिए अपने जीवन काल में अथक परिश्रम किया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का सहारा देकर करोड़ों लोगों को इससे जोड़ा। वहीं नवजीत भारद्वाज ने कहा कि आत्मा की सभी शक्तियां शरीर के 9 दरवाजों में फैली हैं, उसे केंद्रित करके 10वें द्वार में लाएंगे तो गुरु की कृपा से आत्मा की शक्ति का बोध हो जाएगा। वहीं उन्होंने गुरु की महिमा बताते हुए कहा कि गुरु के बराबर कोई नहीं। इस अवसर पर सोनू छाबड़ा, बाबा खन्ना, सुरेंद्र सिंह बाबा, रोहित बहल, राकेश प्रभाकर, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, संजीव सावरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रोहित भाटिया, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, साबी, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਈਏ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਗਊ ਗ੍ਰਾਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ। जय माँ बगला मुखी जी। अज माँ बगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है, माँ पितांबरा दे भव्य मंदिर दे विच जिहड़ी श्रृंखलाबद्ध लड़ीवार हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा वो लगातार चल रहा। अज उहदी श्रृंखला च एक होर इजाफा होया, माँ ने आशीर्वाद दिता है और अपने भगतों को अपने दरबार से बुला के हवन यज्ञ च आहुतियां डलवाईयां। माँ के चरणों च बारंबार प्रणाम है। असी इस तरह ही माँ तो जिहड़ा आशीर्वाद मिलता है उहदी उम्मीद रखते हैं। साडे सारे सेवादार इदां ही निष्काम रूप दे विच मंदिर परिसर च सेवा करते रहन और धर्म की जिस तरह सेवा कर रहा माँ बगला मुखी धाम इदां ही अग्रसर रहे। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि जिहड़ा मासिक हवन यज्ञ का आयोजन है वह 25 तरीक दिन रविवार को किया जा रहा है। तुसी सारिया ने सब परिवार मंदिर परिसर पहुँचना है, सवेरे 9 बजे तो लैके 11 बजे तक हवन यज्ञ चलेगा। उस तो उपरांत एक बहुत ही वड्डा विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप भी आओ, अपने परिवार को सगे संबंधियों के नाल
और मित्र गणा दे नाल आओ हवन यज्ञ च आहुतियां पाओ। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगला मुखी जी का साप्ताहिक महायज्ञ प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से महायज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ओम हरि बगला मुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं सम्यक् धीमा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं स्वाहा। ओम हरि बगला मुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं सम्यक् धीमा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं स्वाहा। प्राचीन शिव शक्ति माँ बंगला मुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन 120 फुट्टी रोड जालंधर में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी जी का हवन यज्ञ किया गया, जिसमें पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस दौरान मंदिर के प्रधान प्रवीण कत्याल सोनू ने बताया कि कलयुग में भी जो भक्त माँ के दरबार में सच्चे मन और श्रद्धा भावना रखकर दर्शन करने आते हैं, माँ उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करती हैं। माँ बंगला मुखी जी रिद्धि सिद्धि मान सम्मान प्रतिष्ठा धन धान्य एवं हर प्रकार का सुख देने वाली है। इस अवसर पर विक्की विच बब्बा अंगुराल, अमित गुजराल, प्रकाश दीप सिंह, शिव, अजय नारंग, राजेश मनचंदा, वरुण तनेजा, सुमित चावला, राकेश अंगुराल, संजय कक्कड़, रॉकी खुराना, वीरेश चुग, शौर्य विच केशव कत्याल एवं गीतिका कत्याल, एम्पल जी, शिखा वर्मा, पूनम दीप, गीता चुग, दिया ठाकुर, गीता रमा जेरथ, मीनू हुरिया, प्रांशी विज, शिव सहगल, कपिल सहगल व अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। बठिंडा में 13 साल की बच्ची अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेलने का सपना संजोए हुई है, जिसके पास ना तो जूते हैं ना कोई चप्पल और नंगे पांव यह बच्ची बठिंडा की भुच्चो मंडी के सरकारी स्कूल में पढ़ती है और बैडमिंटन में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती है, जो कि अब राज्य स्तर पर खेलने जा रही है। बिन माँ बाप के पली बच्ची दादा दादी के पास रहती है और नवदीप संधु की तरह अपना नाम चमकाना चाहती है, जिसकी सहायता अब इसके स्कूल के अध्यापकगण कर रहे हैं, जिन्होंने इसको जूते लेकर दिए और ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाई। बठिंडा के सतलुज क्लब में बैडमिंटन की प्रैक्टिस के समय बच्ची ने बताया कि उसका सपने को पूरा करने में उसके कोच और टीचर उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। उसने बताया कि वह इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहती है। वहीं इस दौरान उसके टीचर्स ने भी दानी पुरुषों और पंजाब सरकार से इस बच्ची की मदद की अपील की है। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। हाँ जी, मैं इस ग्राउंड एज ए कन्वीनर लाया गया जी। अज जो असी टूरनामेंट शुरू कराया तो बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पर सानू एक इहो जी बच्ची मिली सरकारी कन्या स्कूल पुच्चो मंडी दी, प्राची नाम दी, जिदे मम्मी पापा भी नहीं है, पर उस बच्ची दे विच बहुत टैलेंट सी। नंगे पैर ही उसने ग्राउंड दे विच अपना जिहड़ा हैगा जोहर दिखाए, तो वह सानू भी बड़ा माण महसूस है कि वह बच्ची साडे जिले नूं रीप्रजेंट करके पंजाब खेडन जा रही है, तो असीं बहुत माण महसूस करते हैं। मैं द मिलेनियम स्कूल बठिंडा दे विच एज ए डीपी टीचर काम कर रहे हैं जी। तो पंजाब सरकार वंदिंगों जी, डीसी साहब वंदिंगों, मेरी जी इत्थे बैडमिंटन दे विच जिहड़े मुकाबले चल रहे ने उन्हां दे विच जी एज ए ऑफिशियल ड्यूटी लगी हुई है जी। इत्थे टूरनामेंट दे विच तुसीं भी आ के देखिया जी, भी बहुत वधिया टैलेंट जिहड़ा जी अपना पिंडां दे विचों निकल के शहरां दे विचों निकल के सामने आ रहा जी। एक बच्ची तुसीं आ देखिया जी इत्थे भी नंगे पैरां नाल खेड रही सी जी, बहुत वधिया टैलेंट सीगा उहदे विच। उहने असीं शूज मैया करवाए ने अपने सुरिंदर साहब जी ने, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ
मौका दिता। मेरा सुपना है पी वी संधु वर्गी बन के साडे देश साडे पंजाब दा नाम रोशन करन। आम आदमी पार्टी बठिंडा देहात के विधायक अमित रतन ने अपने इलाके के लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर हल किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी लोगों की समस्याओं को तुरंत हल करवाने के निर्देश दिए। इससे पहले सभी व्यापारियों ने विधायक अमित रतन को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और अपनी समस्याएं सुनाई और विधायक को मांग पत्र भी दिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने बताया कि इलाके के लोग उनसे मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हैं, जिसका उसी समय हल किया जाता है। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। आज एक व्यापारियों का वफद आके सानू मिले, उन्हां दी कुछ समस्यावां सीगियां, सिक्योरिटी नू लैके सी ते कुछ सड़कां नू लैके सी, ते उन्हां नाल डिटेल च गलबात हुई है ते प्रपोजल बनाउण नू कहा ते आने वाले समय के प्रपोजल नू अगे भेज के उहदे वास्ते जो भी फंड है वह अरेंज करके सड़क भी चौड़ी कराई जाएगी और आने वाले समय के जिहड़ी उन्हां नू सिक्योरिटी की लोड़ है वह भी उन्हां नू सही तरीके नाल प्रोवाइड कराई। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के गांव कुम कला में दिल दहला देने का मामला आया सामने। घरेलू विवाद के चलते कलयुगी पिता ने बेटे को फेंका नहर में। थाना रामा मंडी की पुलिस ने झारखंड निवासी दो नशा तस्करों को किया काबू, 10 किलो अफीम की बरामद। जंडियाला गुरु के मोहल्ला शेखुपुरा में अज्ञात लोगों ने एक घर के बाहर चलाई गोलियां, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।